हेलो सीबीएसई स्टूडेंट, बोर्ड क्लास 10th एंड 12th, कैसे हो आप सभी? सभी हर एक वीडियो में मैं चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था कि आप सभी को जो है मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आप सभी के मार्क्स बढ़ाया जाएगा, लेकिन बच्चों को लग रहा था कि फेक है ये। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बातें करने वाला हूँ, मॉडरेशन पॉलिसी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सीबीएसई का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के, साथ साथ जो है वो मॉडरेशन पॉलिसी के तहत जो है मार्क्स किस किस स्टूडेंट को दिया जाएगा, ठीक है। एक ये बात करेंगे, दूसरी जो बात करेंगे वो हमारा जो है रिजल्ट डेट को लेकर के। अब जो है आप सभी का रिजल्ट डेट कंफर्म हो चुका है क्लास 10th एंड 12th। सब बिना टाइम वेस्ट के बात कर लेते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा, ताकि आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो सके। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप सभी को इसी टाइप का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके, ठीक है। सो चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के। तो आप लोग देख सकते हो यहां पे साफ साफ जो है प्रूफ के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है मॉडरेशन पॉलिसी, द बोर्ड शैल रिजॉर्ट टू द मॉडरेशन पॉलिसी टू। तो बोर्ड जो है वो मॉडरेशन पॉलिसी लगाने जा रही है और मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आप सभी को मार्क्स दिया जाएगा। अब देखो मॉडरेशन पॉलिसी के तहत किस किस को मार्क्स मिलता है। तो पहला पॉइंट देख लो, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। मैं पहला पॉइंट रीड कर देता हूँ और बाकी सारे समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहला पॉइंट है, कंपेंसेट द कैंडिडेट फॉर द डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन एम्बिगुइटी ऑफ क्वेश्चंस एंड एरर्स, ठीक है ना। तो बेसिकली है क्या है, ये कि ऐसे स्टूडेंट जिनको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत आई हो, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हो, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, तो उन सभी के केस में आप लोगों का मॉडरेशन पॉलिसी लगता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। दूसरा केस कब लगेगा, तो तब लगेगा जब आप लोगों को पता ही है कि हर एक स्टूडेंट के पास अलग अलग सेट आया था, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ठीक है। अब मान के चलो कि सेट 1 जो है बहुत डिफिकल्ट आ गया था सेट 2 और सेट 3 के मुकाबले, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सेट 1 पेपर था, उन सभी को जो है वो मॉडरेशन पॉलिसी के तहत जो है मार्क्स बढ़ाया जाएगा, ताकि इक्वालिटी हो सके, है ना। तो फिर जिनको जो है वो इजी सेट मिल गया उनके तो मार्क्स भाई बल्ले बल्ले हो जाएंगे, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, और जिनको डिफिकल्ट सेट मिला उनका क्या होगा, तो उस केस में भी लगता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन ऐसा है जिसके तहत आप सभी को मॉडरेशन पॉलिसी के तहत मार्क्स मिलेगा। तो तीसरा कंडीशन ये है कि देखो बच्चों, अब दूसरे बोर्ड भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक आईसीएसई बोर्ड, काफी सारे बोर्ड हैं, ठीक है, स्टेट बोर्ड भी है। तो सीबीएसई क्या करती है, सीबीएसई ध्यान देती है कि क्या आईसीएसई बोर्ड जो है वो अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स दे रही है, लिनियरसी चेक कर रही है, लीनियर पेपर चेक कर रही है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई अगर वो लीनियर पेपर चेक कर रहे हो अपने ज्यादा मार्क्स देना है, आप कम दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर इक्वालिटी नहीं बैठेगी। अभी के टाइम सीयूईटी आ चुका है, बट फिर भी जाके क्लास 10th वालों के केस में क्या करेगा ना, क्लास 11th में एडमिशन लेने को लेकर 12th के केस में भी फर्क पड़ेगा, है ना। सो इसलिए ये देखती है, और इसके तहत भी आप सभी को मॉडरेशन पॉलिसी के तहत मार्क्स ज्यादा दिया जाता है। तो आई होप आप सभी को मॉडरेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग साइड डाउट क्लियर हो जाएगा और आप सभी को मार्क्स मिलेगा, ये भी आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है, बोथ क्लास 10th एंड 12th। तो सबसे पहले आप लोगों का जो है वो क्लास 10th का रिजल्ट आएगा। बच्चों आप सभी को पता ही है कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो है सीबीएसई ने ऑफिशियली कहा था कि सीबीएसई ने अपने जो है वो पेपर चेकिंग के स्पीड को बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है। पहले क्या था, तो पहले जो था एक टीचर एक दिन में 22 पेपर चेक करते थे, अब जो है वो वही एक टीचर जो है वो एक दिन में 35 पेपर चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सीबीएसई चाह रही है कि सारी चीजें जो है वो ट्रैक पे आ जाए, टाइम पे सब चीज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो क्लास 10th का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो है आप लोगों का जून के लास्ट वीक तक में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। आई होप इसके रिगार्डिंग भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बाकी जाके ये न्यूज सुन के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चाहे पे फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अपने फ्रेंड में शेयर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।